नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल रिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, एक टाइम में आप कितनी छुट्टियाँ ले सकते हैं, 2, 3 या फिर 4। इसके अलावा जब आपकी छुट्टियाँ पूरी हो जाती हैं और तब आपको अगर छुट्टी चाहिए अप्रेंटिसशिप से किसी दिन इमरजेंसी होने पर, तो उस छुट्टी का क्या होगा, क्या उसके हमें पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल है कि मैक्सिमम हमें कितनी छुट्टी मिलती है। तो मैक्सिमम हमें जो कैजुअल लीव होती है वो 10 मिलती है एक साल के अंदर। यानी कि आपका जो पूरा टाइम पीरियड है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का जो टाइम पीरियड वो एक साल का ही होता है, तो एक साल के टाइम पीरियड में आपको जो है मैक्सिमम 10 छुट्टियाँ मिलती है, वो आप कभी भी ले सकते हो। और एक टाइम में अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है, लगातार ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, तो एक टाइम में मैक्सिमम आप हर हफ्ते में या फिर एक महीने में 4 छुट्टियां अधिकतम ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 4 से ज्यादा छुट्टियां लेते हो तो जिस दिन की आपने छुट्टी ली है उस दिन के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो भी लीव का होता है जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं पे चोट लग जाती है, मेडिकल लीव आप देते हो, तो उस परिस्थिति में भी आपको जो है उन मेडिकल लीव्स का पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट छुट्टी लेते हो बिना इन्फॉर्म किए ऑफिस में, तो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आप एक महीने के अंदर 4 दिन से ज़्यादा छुट्टियां लेते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।